सीधा बम की बात कर रहा, ये बम से उड़ावेंगे और टारगेट ये है कि हम जो बाहर जाते हैं पूरे देश में, ये कहा गया है कि उनको बाहर जाना बंद करो, बाहर ना जाए, जो मीटिंग करते फिर रहे वो ना मीटिंग करे, बाहर जाए, कहीं बिहार जा रहे, कहीं झारखंड जा रहे, कहीं तमिलनाडु जा रहे, क्योंकि अगला जो प्रोग्राम हमारा है वो गुजरात में हम जा रहे हैं अभी 12 तारीख में एक प्रोग्राम में, तो के बाहर ना जाए, हम तो तमिलनाडु और आंध्र पूरे देश भर में हमको जाना पड़े, तो अब इसको तहरीर दी है उसकी। ठीक है साहब, वो धमकी किसे मिली आपके परिवार में? गौरव टिकैत है उसको मिली, जो आपके भतीजे हैं, भतीजे हैं उनको दिया, उन्होंने सीधा नाम लिया के जो टिकैत परिवार है जो बाहर पूरे उसमें घूम रहा है, ये आना जाना बंद कर दो अब जी कहीं पे भी, तो इसका मतलब है कि भाई परिवार के लोग तो और भी जाते हैं, नरेश जी जाते हैं, गौरव जाता है, यहाँ से है, तो कहीं हारी बीमारी में उसमें कहीं मीटिंग में, क्योंकि देश के किसानों की मजदूर की समस्या है तो जाना भी पड़ेगा, तो पूरा ब्लॉक करना चाहते हैं कि कोई बाहर ना निकले। ठीक है सर, धमकी मिली है? नहीं नहीं, दो बार नहीं, तीन बार तो करीब ये 20-25 बार मिली, पहले भी मिली, पहले तहरीर दी जब वहाँ दिल्ली के आंदोलन में रहे तो उस टाइम पे भी बहुत आई, फिर मुजफ्फरनगर में भी आई, उनके केस रजिस्टर्ड भी हुए, बहुत के केस रजिस्टर्ड पुलिस ने नहीं करे, तहरीर ले ली और रजिस्ट्रेशन नहीं करे, क्योंकि उनको ये लगता है कि ज्यादा रजिस्टर्ड करोगे तो इसकी बहुत इंक्वायरी करनी पड़ती है, पुलिस ने कुछ जगह तो कराई नहीं। अच्छा ठीक है साहब, किसान क्योंकि आप सबसे बड़े मतलब मुखिया नेता हो, पुलिस उधर होली खेलने में लगी, अब तो मुकदमा दर्ज हुआ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं चलो कोई नहीं, कोई एक दिन में थोड़ा सारी चीज होती है, आ जाएंगे कल हो जाएगा, तहरीर दे दी उन्होंने, और आज तो पुलिस का अपना एक प्रोग्राम है वो करना चाहिए, क्योंकि पुलिस भी पूरा साल लगी रहती है, आज उनका त्योहार है तो उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए उसमें, और जब आ जाएंगे तो कल हो जाएगा। अच्छा ठीक है साहब, जो फोन पे धमकी मिली है उसमें काले कानून का भी जिक्र किया है कि तुमने वापसी करा दिया उसको, सरकार का साथ दो, वो भी तो बात हुई थी? नहीं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत आंदोलन चलाए और सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाते हो, तो ये कुछ गलत मानसिकता के लोग है जो प्रो गवर्नमेंट होते है, ये या कोई और भी हो सके कि काम तुम कर दो बदनाम सरकार होगी, तो कहीं ना कहीं किसानों की आवाज को दबाना है। बिल्कुल है, किसान की आवाज को दबाना चाहते हैं, कहीं सरकार के आईटी सेल तो काम नहीं कर रही पीछे पीछे? नहीं, आईटी सेल वाले धमकी उनकी तो नहीं देते, आईटी सेल वाले तो वैसे बदनाम करते हैं, ये धमकी देने वाले तो दूसरे ही तरह के लोग होते हैं, क्योंकि वो उसका पकड़ा जाएगा, तो आईटी सेल वाले तो नौकरी देते हैं अपना काम करेंगे, तो ठीक है वो धमकी नहीं देते होंगे आईटी सेल वाले, तो भाई धमकी देंगे तो पकड़ा जाएगा, मुकदमा दर्ज होगा, और जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वे सिविलियन लोग हैं सारे। इस बीच आपने अधिकारी से कोई बात हुई, वार्ता वगैरह? नहीं, आज अभी तो नहीं हुई कोई वार्ता। ठीक है।